पहला नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो। दूसरा नियम, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो। तीसरा नियम, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो। और इन तीन में से कोई भी दो नियम का प्रयोग करके हम किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आसानी से बना सकते हैं।